वैसे आप एक्टिंग वगैरह का भी शौक रखती हैं? जी हाँ, बहुत ज्यादा। कितना को ज्यादा? बोरी भर के काफी ज्यादा, शायद ज्यादा। अच्छा, उससे भी ज्यादा। तो आपने फिर एक्टिंग से स्टार्ट क्यों नहीं किया, मॉडलिंग क्यों कर ली? मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया है खावर रियाज ने, तो वो तो फैशन इंडस्ट्री के लेजेंड हैं, तो उन्होंने मुझे मॉडलिंग में पहले किया कि अपना फ्यूचर और ना करियर जो है मॉडलिंग में स्ट्रॉन्ग करो, फिर एक्टिंग में मूव करना। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग में मूव करना चाहिए, बिकॉज आई कांट होल्ड एनी मोर। You can't hold anymore. Yeah. Oh, यानी कि ये आपको कब से एक्टिंग का इस किस्म का जज्बा है? एक्टिंग का तो बचपन से शौक है, लेकिन मॉडलिंग का शौक। कौन आपके कोई फेवरेट एक्टर्स जिनको आप देखती हो? उमाइमा मलिक। उमाइमा मलिक आपको पसंद है? आपका फिल्मों में काम करने का शौक भी पूरा हो जाएगा। हमारे पास प्रोड्यूसर है गंजे लीला बंसाली साहब। फिल्म शुरू कर रहे हैं, ये तो आपको कास्ट करेंगे। आपने कहा कि उमाइमा आपको पसंद है, आपने भी मौला जट देखी उनकी? जी जी, मैंने मौला जट देखी है और मैंने उसमें उमाइमा को बहुत ज्यादा फॉलो किया है और मुझे बहुत पसंद। अच्छा, उसमें तो कहीं इधर उधर ज्यादा गई नहीं थी, आपने कहा फॉलो करती रही उनको? मौला जट के बाद मेरी और ज्यादा फेवरेट हो गई है। अच्छा, और ज्यादा फेवरेट। और इनके अलावा भी कोई है या सिर्फ एक उमाइमा ही 22 करोड़ में से निकली इस फिल्म में? तो नहीं, इसमें चले ठीक है, वो हो गई, बाकी कोई और है? पाकिस्तान में ऐसे मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। सबा कमर भी आपको पसंद है? बहुत ज्यादा। तो कोई ऐसा कोई आप करना, आप क्या ड्रामा करना चाहेंगी या फिल्म करना चाहती हैं? क्या? मैं फिल्म करना चाहती हूँ। और किस किस्म की फिल्म? मौला जट टाइप फिल्म। मौला जट टाइप एक्शन वाली फिल्म। मौला जट आपने सही देखी, पूरी फिल्म देखी? यस, पूरी देखी। उधर से जिन्ने भी कोड़े इन्होंने किराए दे देते हैं। कहने को तो वो मेरा कहां मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय आ। वेलकम बैक फैसल साहब, आप पहले डिप्टी स्पीकर भी रहे जी, कौन सी जॉब ज्यादा अच्छी लगी आपको, वो या जो अभी कर रहे हैं? हर जॉब का अपना ही नहीं, लेकिन फिर भी एक कुछ पर्सनल एक कुछ एक लाइकिंग होती है और मे बी कंफर्ट लेवल होता है। देखें, डिप्टी स्पीकर की जॉब डिसीजन डिफरेंट थी, वो आप एक पार्लियामेंट हाउस को मतलब एक नेशनल असेंबली को चलाते थे, और इस जॉब में जो पॉवर्टी एलिवेशन है और स्पेशली जो इसमें बेनिजिंग सपोर्ट प्रोग्राम का है, इसमें एक ये है कि इसमें आप लोगों की इसमें खिदमत कर सकते हैं और ख़ासकर इसमें बहुत स्कोप है मौजूद है। इस वक्त जो है हमारे पास तकरीबन 8.5 मिलियन 85 लाख बेनिफिशरी हैं बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, और अभी हम एक और डायनेमिक सर्वे करने जा रहे हैं। बल्कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हमने जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले शुरू की, वो हमारा ये था कि हमारे जितने भी फौजा सरा कम्यूनिटी, हमने उसको BSP का बेनिफिशरी बनाने जा रहे हैं। अगर वो अपना ID कार्ड नादरें बनाएंगे तो हम उनका बेनिफिशरी बनाए जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है, ये मैं समझता हूँ डिप्टी स्पीकर का अपना एक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल की वो है, और ये जो है गरीब लोगों की खिदमत का एक है कि उसमें अगर जेन्युइन लोग ऐड हो जाएं और उनको आप सपोर्ट दें, तो मैं समझता हूँ वो गरीब खवातीन जो कि देहातों में रहती हैं, वो आपको अगर दुआएं भी दें तो आपके लिए बहुत। वैसे जनरली तो आपके हमेशा अपोजिशन पार्टी के प्रेजिडेंट हैं हम, मगर अब इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब आपके बॉस भी हैं, तो हाउ इज़ ही एज अ बॉस? देखिए, हम कोलिजन हुकूमत में मेरा बॉस तो बिलावल साहब ही हैं, मगर फिर भी मतलब प्राइम मिनिस्टर तो है ना कैबिनेट में। हम एलाइज हैं, 10-12 जमातें एलाइज हैं, और हमारी एक अच्छी कोलिजन हुकूमत जा रही है। ही इज डिसेंट मैन। सही लगा उनका तरीकेकार काम करने का आपको? होनी लग रहा है, 30 साल नहीं लगा जी, होने इकट्ठे हो गए ना। ख्याल बड़ा लेट आता है इंसान में। आपको भी लगता है लेट आया? नहीं, मगर बहुत उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बारे में बहुत सुना होगा आपने। नहीं, अच्छा एक मतलब है कि एक एनर्जेटिक, और पहले भी CM जब पंजाब रहे हैं, और एनर्जेटिक कहें या वो फास्ट फॉरवर्ड वाले चक्कर में कि जो काम हो कहते हैं जल्दी कम्प्लीट हो, और अच्छी बात है कि अगर काम आप एक शुरू करें उसको जल्दी कम्प्लीट करें तो उसमें फ़ायदा भी है। नॉर्मली पाकिस्तान में होता है कि आप आज प्रोजेक्ट शुरू करते हो और 10-12 साल नहीं होता, तो चीज़ें एक जिंदगी एक तजर्बा है, तो तजर्बे मुख्तलिफ तजर्बात से आप गुजरते हैं। तो ये आपके ख्याल से हम तजर्बे से गुजर रहे हैं सारे? नहीं, आप देखिए पॉलिटिक्स में आप रोजाना नई चीज़ सीखते हैं। ऐसा भाई जी, माशाल्लाह जितने आप प्यारे हैं, बस गोल्डन सेव लग रहे हैं। ये कुछ बताएं हमें भी, ताकि हमारे भी रंगत ऐसी हो जाए, ऐसे प्यारे लगे। फेयर एंड लवली क्रीम लगाया करो। उन्होंने तो बता दिया, तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है मिर्जा साहब? आपकी आंखों का कमाल। नहीं जी, मेरी आंखों के तो ऐनक ही नहीं लाई, मुझे सही नजर ही नहीं आ रही। ये तो मैंने वैसे फोन पे आपकी तस्वीरें अभी आपको लाइव भी देखा है, तो आप वाकई बहुत जेन्युइन प्यारी हैं, तो इसका हमें बताएं क्यों, क्या राज? क्या राज है मुझे नहीं पता। होता ना कोई मसलन डाइट, तो आप स्मार्ट तो है ही है।
हाँ, मैं नहीं, मैं डाइट नहीं करती और ना मैं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। क्यों, तंदूर से कम कर दे जे? ये क्या बात हुई सर, उतर ना रोटी लगा के तो खुद ही थोड़ी सी खा रही है। आप लोगों के मसले होते हैं, हो सकता है वो मॉडल है, जिम शिम करती हूँ, जिम वगैरह कोई वर्कआउट भी नहीं किया। अच्छा, जिम भी नहीं करती, डाइट भी नहीं करती, बस ये जेनेटिकली जो चल रहा है चल रहा है। जिम भी नहीं जाती, खाती भी बहुत ज्यादा, फिर से जेनेटिकली होते हैं कुछ लोग ऐसे जिनको बिल्कुल नहीं लगता, ये लकीली उनमें से है। लेकिन बहुत प्यारी है। अच्छा, जितनी आप बहुत ज्यादा प्यारी लगती है आप सब अपने फैंस को, जैसे मैं भी आपका फैन हूँ, तो आपको भी कोई ऐसा कोई शख्स है जो प्यारा लग रहा हो सामने बैठा हो? नहीं, कोई है कोई प्यारा शख्स? हाँ, हाँ। किधर है कुंडी साहब? पेंट कोट काम आ गया सर ताड़ा। नहीं, वो तो प्यारे लग ही रहे हैं। हाँ, वो प्यारे हैं माशाल्लाह। वो तो है ही माशाल्लाह, खूबसूरत इंसान है, लेकिन उनकी जॉब का मसला है, अब हमारी तरफ ही रहे हैं। कैसा आइडियल आपका? मुझे अपने लिए लड़का चाहिए अपने सर जैसा। सर कौन है? खावर रियाज। खावर रियाज साहब की तरह मुझे समझते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड में जो चीजें चाहिए वो सारी उनमें हैं। वो मुझे एज अ फादर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आज मैं जहाँ भी पहुंची हूँ उनकी वजह से पहुंची हूँ, तो मुझे लड़का चाहिए तो उनके जैसा चाहिए। केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, सपोर्ट करते हैं और समझते हैं। समझते हैं। तो पहले 3-1 साल तो ये भी कर लेंगे। लेकिन आप बड़ी अच्छी लड़की, खावर रियाज साहब का बोला नहीं, तो जड़ियां भी कुड़ियां आजकल पढ़ी लिखी मलक रियाज तो थले आंदी नहीं।